नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों को एक व्हाट्सएप का एक नया अपडेट है, और कह सकते हैं कि ये अपडेट जो है पहले भी आ गया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, आप जब व्हाट्सएप पर चलते हैं इस तरीके से, और आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर जो कॉन्टैक्ट है या पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, आप चाहते हैं कि जो है उनका मीडिया आपके उसमें, हम कह सकते हैं कि गैलरी में सेव ना हो, तो हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं। जैसे ये ऊपर आपको मेरा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और ये जो आपको वीडियो के पास में जो आइकन दिख रहा है आई का, इन्फॉर्मेशन का, यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मीडिया विजिबिलिटी। आप जैसे ही यहाँ आएंगे मीडिया विजिबिलिटी पर, यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट में यस है, मैं इसको नो कर देता हूँ। अब मैं इसको नो कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब दोस्तों होगा क्या, ये आप इसको देखिएगा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर फोटो आएंगे या जो भी वीडियो आएंगे, वो सभी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो उनमें से एक भी जो है मेरी गैलरी में जाकर सेव नहीं होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है उस केस में जब आप पर्टिकुलर किसी से बात करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे कोई कॉन्टैक्ट इमेजेस वगैरह, या आप काफ़ी सारे देखते होंगे जो गुड मॉर्निंग विशेस आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस टाइप के मैसेजेस, आप इमेजेस वीडियोस को सेव नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये सिंपली मीडिया को नो कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो है दोस्तों गैलरी बिल्कुल नहीं भरेगी। डेटा कहाँ जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से चलना है जैसे सेटिंग्स में, आप सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद जो है आप देख रहे हैं स्टोरेज एंड डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं मैनेज डेटा। जैसे ही हम मैनेज स्टोरेज पर जाएंगे, तो मैनेज स्टोरेज पर देखिए ये कैलकुलेशंस कर रहा है व्हाट्सएप और ऐप कितना डेटा ले रहे हैं, कितने GB कितनी मेमोरी यहाँ पर कंज्यूम कर ली गई है। नीचे आप चैट देख रहे हैं, और ये जो चैट है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि 480 KB नाम से एक चैट है, इसका इतना डेटा यहाँ पर है स्टोर। तो दोस्तों अब जब गैलरी में डेटा नहीं जाता है, तो गैलरी में जाने के साथ साथ व्हाट्सएप भी उस डेटा को सेव रखता है, आपको पता होगा। तो सारा डेटा जो है, जितनी इमेजेस वीडियो पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के द्वारा भेजी जाएगी, वो सभी जो है यहाँ पर आकर स्टोर होगी, और आपका गैलरी जो है वहाँ पर कोई भी वीडियो या इमेजेस फाइल नहीं जाएंगी, जिन जिनकी मीडिया विजिबिलिटी को जो है आप नो कह देंगे। तो दोस्तों आपने देखा है, या इस तरीके से आप देख रहे हैं व्हाट्सएप कितना GB डेटा लिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट चला रहे हैं, तो ये सारा डेटा कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा कैलकुलेट होगा, लेकिन आपकी गैलरी जो है हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी, और आपके काफ़ी सारे इमेजेस जो हो जाते हैं वो मेन इमेजेस डिलीट करते टाइम डिलीट नहीं होंगे। ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर उन नंबरों को, जिन नंबरों को आप चाहते हैं कि उनका डेटा जो है गैलरी में स्टोर ना हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव छोटा सा वीडियो था, आप में से कई लोगों को पता होगा, अगर कई लोगों को नहीं पता है तो इनको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।